वेलकम इन दिस वीडियो। आज मैं आया हूँ अपने दोस्त के घर, जो सिर्फ ये मशीन साबुन बना के मिलियनर बन चुका है। मेरे साथ पढ़ता था, इवन कि यार दोस्त को अचीवमेंट करे तो बहुत खुशी लगती है। लेकिन आज मैं उससे मिलने आया हूँ, कैसे उसने ये सेटअप लगाया, कितनी इन्वेस्टमेंट आई, तो उससे मिलवाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम सी भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा यार। आप अपना कोई दोस्त अचीवमेंट करता है इतनी बड़ी, तो बहुत बड़ी खुशी की बात होती है यार, उसने इतना ज़्यादा अचीव कर लिया। तो ये आपने स्टार्टअप कैसे की, किसी चीज़ से इंस्पायर्ड हुए थे, कब आपको लगा कि आप बिजनेस कर सकते हैं, आपका स्टार्टअप कैसा था? ये जब हम 11वीं 12वीं में थे, तब हमें इतना पढ़ाई हम खास ही करते थे जो, तब एक तरह से हमारा माइंड सेट बनता रहा कि बिजनेस स्टार्ट करें। अच्छा अच्छा। तो तब हमने दो चार आइडियाज सर्च किए थे, पहले बल्लभ वाली साइड पे गए, वहाँ पे फिर देखा कि उसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा आता है और लॉस होता है। अच्छा। तो हमने फिर कहा कि किसी होल्ड हाउस होल्ड आइटम को उठाते हैं, जो ना रिटर्न हो ना कोई और चीज़ हो, बंदा रोज का रोज इस्तेमाल करे, हर घर में वो मौजूद हो। तो उससे हमें ये आइडिया मिला कि हम साबुन बनाना स्टार्ट करें। शुरू में अगर सेटअप में अगर ये लगाना चाहूँ या कोई मेरा व्यूअर लगाना चाहता है, तो इस सेटअप की कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, कितने पैसे इसको मालियत लगे, कितने पैसे इसे चाहिए होंगे सेटअप लगाने के लिए? स्टार्ट में तो पहली बात है, जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो हैवी अमाउंट चाहिए। अच्छा। जब तक बंदे के पास हैवी अमाउंट नहीं होगी, इस पे टोटल हमारा खर्चा आया था 13,00,000। अब 13,00,000 आज की बात करें तो इस पे 15 से 16 आराम से लग जाता है। अभी हम साबुन पे काम कर रहे हैं और ये हमारी प्रोडक्ट है, तीन फ्लेवर की। अच्छा, तीन फ्लेवर्स के। अच्छा, ये तीन प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं। अच्छा, तो सीधा ये आपने रखे हुए हैं अपने मशीनरी वगैरह पे, थोड़ा अगर इसके बारे में रिव्यूज करा दें। ये प्लाटर है, इसको प्लाटर कहते हैं। अच्छा, प्लाटर। इसके अंदर दो मेन चीज़ें आती हैं, एक मोटर होती है 5 HP की और एक ठीक वर्म होता है। ठीक, यहाँ से हम सामान डालते हैं और यहाँ आगे से ये डाइज होती हैं, उसके अंदर से निकलता है, ज़्यादा मिक्स होकर। ओवरऑल ये जो चीज़, ये ओवरऑल ये जितना भी सेटअप लगा हुआ है, जो नीचे मोटर वगैरह या प्लाटर वगैरह, ये कितने की मिल जाएंगी? सिर्फ सिर्फ ये चीज़ ये कम से कम 6,00,000 रुपये की मिलती है, 6,00,000 रुपये। अच्छा, तो ये सिर्फ 6,00,000 रुपये की मिलेगी हमें। और ये जो सेटअप पड़ा है, ये क्या चीज़ें हैं? ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जब आप सामान लेते हैं तो जब आप बनाना स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या चीज़ आपने डालनी है, कितनी कितनी मिकदार में डालनी है, वो सारा आ जाता है। अच्छा, ठीक हो गया। और ये क्या चीज़ है? ये मिक्सचर है? ये मिक्सचर होता है। अच्छा अच्छा। ये हमारा 25 kg का मिक्सचर है। अच्छा, 25 kg का। इसके अंदर 25 kg एक बैग होता है नूडल्स का, वो पूरा इसे नरा देते हैं, इसे नरा मिक्स कर सकते हैं। 25 kg का बैग होता है। ठीक। इसका फंक्शन सिर्फ मिक्सिंग होता है। और ये पंच है। अच्छा, ये पंच है। इसके अंदर सोप्रा के हम पंच करते हैं। तो इसको ऊपर से कंप्रेस करते हैं, फिर जो अंदर हमारा मटेरियल होता है वो कंप्रेस हो गया, हमारा सोप की शेप में आ जाए। ठीक हो गया। अभी आप अपने क्या फीचर के देखते हैं कि आप इसको किस लेवल पर लेके जाने चाहते हैं, इस बिजनेस को किस ब्रांड को आप टक्कर दे सकते हैं, डेटोल हो गया या सेफगार्ड वगैरह? अभी हम ओवरऑल पाकिस्तान में हमारा बड़ा चली भी जा रहा है, अभी इंशाल्लाह हम इंटरनेशनल मार्केट को टच करेंगे, इंटरनेशनल में वहाँ पे भी इंशाल्लाह जाएंगे, क्योंकि अभी जो हम जिस कंपनी को हमने अपना अपोनेंट रखा हुआ, कंपोनेंट कंप्यूटर रखा हुआ, वो लक्स है, लक्स और डब, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है उनसे बेहतर हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी जो मार्केट में चल रहे हैं सबसे बेहतर क्वालिटी की। अच्छा, अभी उसको क्या सजेस्ट करते हैं, क्या उनको ये बिजनेस करना चाहिए तो उनको क्या टिप्स देते हैं कि वो मार्केट में किस तरह आए, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं। जो भाई ये काम करना चाहते हैं वो एक तो पहले ये काम करना सीखें, दूसरी चीज़ के अगर वो प्रोडक्ट उन्होंने बना भी लिए, मशीनरी ले लिए, प्रोडक्ट बना भी लिए, तो मेन चीज़ होती है मार्केटिंग प्रोडक्ट की। जब तक बंदे के पूरी ग्रिप ना हो मार्केट पे, मार्केटिंग पे पूरी ग्रिप ना हो, तब तक वो चीज़ सेल नहीं कर पाता, चाहे वो जितनी ज़्यादा क्वालिटी की बनाए। मार्केटिंग मेन होती है और दूसरा प्रोडक्ट बनाना, क्वालिटी उसकी मेन होती है, दो चीज़ों पे आप ध्यान दें इंशाल्लाह कामयाब हो। अच्छा, सिर्फ भाई आपके क्वेश्चन ऐसे आ गए तो आपकी मंथली अर्निंग अराउंड अबाउट बता दें, एग्जैक्ट नहीं बताएं, बस थोड़ा सा आइडिया बता दें कितना आप मंथली अर्न कर रहे हैं। मंथली माशाल्लाह अगर हम एवरेज भी निकालें तो 2 से 2.5 लाख रुपये आराम से इसलिए माशाल्लाह सिर्फ प्रॉफिट में सिर्फ 2 से 2.5 लाख आ जाते हैं माशाल्लाह। तो अच्छा, ये थे हमारे असीम भाई, तो इनसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा हमें। ठीक है असीम भाई, जा सकते हैं।